पांच आदतें हमारी सफलता की संभावनाओं को बढ़ा देती हैं। पहली, सुबह जल्दी उठना। भारत की संस्कृति में हमारे गुरुकुल के पिरामिड के आधार में प्रथम सूर्योदय से पहले यानी कि 4 बजे 5 बजे उठने की प्राचीन परंपरा रही है, जिसके अनेकों लाभ हैं। प्रथम, जब हम 4 से 5 बजे के बीच में उठते हैं तो हमारी रचनात्मकता का स्तर सबसे अधिक होता है। ज्ञान का अर्जन करने के लिए यह समय सबसे अच्छा होता है। मनोवैज्ञानिक बताते हैं कि मन की जो ऑब्जर्वेशन पावर है उस समय सबसे अधिक होती है। सूर्योदय से 2 से 2.5 घंटे पहले के समय को भारत की संस्कृति में अमृत वेला, ब्रह्म मुहूर्त कहा जाता है। यह हमारा हाईएस्ट इनर्जी टाइम होता है। इस समय सिट साइलेंट बैठकर यदि हम अपने ड्रीम को विजुलाइज करते हैं तो उसके पूरे होने की संभावनाओं को हम बढ़ा देते हैं। यदि विद्यार्थी इस प्रकृति के हाई एनर्जी टाइम में स्टडी करते हैं तो हमें अपनी स्टडी में मेहनत कम करनी पड़ती है और रिजल्ट ज्यादा मिलते हैं। सूर्योदय के पूर्व हमारा मस्तिष्क बहुत ही फर्टाइल भूमि के रूप में होता है। उस दौरान जो सकारात्मक बीज हम डालते हैं, चाहे वे हमारे आध्यात्मिक प्रगति के हैं अथवा बेहतर जीवन के लिए हैं, यदि हमारे अच्छे स्वप्न हैं तो वे ज्यादा से ज्यादा अंकुरों के रूप में कुछ महीनों के अंदर ही हमको हमारे जीवन को सौंदर्य प्रदान करने लगते हैं। सुबह सतोगुण का प्रभाव सबसे ज्यादा होता है। दिन निकलते निकलते रजोगुण की प्रधानता आने लगती है और रात्रि आते आते तमोगुण की प्रधानता हो जाती है। सुबह सूर्योदय के पूर्व मेजॉरिटी सोई रहती है। उस वक्त नकारात्मक विचारों का प्रवाह वायुमंडल में दिन की अपेक्षा बहुत कम होता है। उस वक्त हम ध्यान, सकारात्मक चिंतन, अध्ययन, यह सब करना हमारे लिए श्रेष्ठ कर होता है। इसके बाद जो जीवन का दूसरा पहलू है, समय निर्धारण। सर इजाक पिटमैन ने कहा है कि सुनियोजित समय सुनियोजित मस्तिष्क का प्रतीक है। समय हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। समय निर्धारण के बिना हमारे लक्ष्य, हमारी निश्चयात्मक सोच हमारे सपनों को पूरा होने में एक अवरोध खड़ा करते हैं। हमारे जीवन को शिखर पर ले जाने वाले पंख समय ही होते हैं। बहुत बार हम जवानी में सोचते हैं कि अभी बहुत समय है, आगे कर लेंगे। एक कहावत कही जाती है कि काश जवानी समझ पाती, काश बुढ़ापा कर पाता। समय निर्धारण न कर पाने के कारण हम जो करना चाहते हैं वह टलता चला जाता है और एक दिन बुढ़ापा आ जाता है और फिर जीवन की शाम ढल जाती है और हम निराशा के घोर अंधेरे में कहीं खो जाते हैं। वे व्यक्ति जो जीवन में महानता को प्राप्त करते हैं, एक असाधारण जीवन के निर्माण को मूर्त रूप देते हैं। असफल व्यक्तियों से जो चीज उन्हें पृथक करती है वह उनका समय का सदुपयोग करने का तरीका है। समय का सदुपयोग हमें ठीक से करना चाहिए, क्योंकि दुनिया में बहुत कुछ दोबारा लौट सकता है परंतु समय नहीं। रविवार को हमें पूरे सप्ताह की
विवरण सहित टाइम ब्लॉकिंग करनी चाहिए। पूरे सप्ताह हमें क्या करना है और कब करना है उसके लिए समय निर्धारण करें। इस बात का हमें अभ्यास करना पड़ेगा क्योंकि शुरू में कई बार हमारी टाइम ब्लॉकिंग हमारी अनुभवहीनता के कारण आगे पीछे होगी। धीरे धीरे हमारे अनुभव से हमारी टाइम ब्लॉकिंग सही होने लगेगी। तीसरा, आत्मनिरीक्षण, सेल्फ रिफ्लेक्शन, स्वनेतृत्व, उन बातों को जाने जो हमें आगे बढ़ने से रोक रही हैं। हमें हमारे समृद्ध जीवन, उच्चतम आदर्शों एवं हमारे सपनों को पूरा करने में अवरोध बन रही हैं। उन्हें जाने बिना तुम कैसे आगे बढ़ सकते हो? अपनी कमजोर कड़ियों को कागज पर लिखो। हमें इस बात पर विचार करने के लिए समय निकालना चाहिए कि जो हमें हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने में ब्रेकर का कार्य कर रही हैं, वे कौन कौन सी आदतें हैं, वे क्या क्या हैं। कोई डॉक्टर मरीज का इलाज सही ढंग से तब तक नहीं कर पाता है जब तक कि उसकी बीमारी को डायग्नोस नहीं कर लिया जाता। बीमारी के कारण को पकड़ में आ जाने के बाद हमारे ठीक होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। स्वनेतृत्व के द्वारा हम अपने ऊपर स्वामित्व पा लेते हैं, और जब आप स्वामित्व पा लेते हैं तो आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करने में जो कमियां आती हैं उन्हें निर्मूल होने में ज्यादा समय नहीं लगता है। अपनी आत्मा के पोषण एवं आत्मचिंतन से हम उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां जीवन की संपन्नता, विकास, आनंद को आयाम मिलता है। हमें अपना एफर्ट स्कोर बनाना चाहिए, रिजल्ट स्कोर बनाकर चिंतन करना चाहिए। हम जो कार्य जितने एफर्ट से कर रहे हैं उसका रिजल्ट कितना आ रहा है। अगर हमारा एफर्ट स्कोर अच्छा है तो हमारा रिजल्ट स्कोर अच्छा हो जाएगा। हमें अपनी सफलता के लिए आत्मचिंतन करना होगा। नंबर चार, कार्यों को बांटना। एक व्यक्ति अगर चाहे कि वह पूरी कार स्वयं बनाएगा और फिर उस पर यात्रा करेगा तो संभवतः उस कार को बनाने में जीवन का बहुमूल्य समय गुजर जाएगा। वह उसका आनंद कब लेगा? हम रेस्टोरेंट जाते हैं तो ऑर्डर डिलीवर करते हैं, दूसरा उस ऑर्डर पर वर्क करता है, तब हम डिनर का, लंच का आनंद ले पाते हैं। हमें अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम हैं जो डेलीगेट करने पड़ते हैं सही व्यक्तियों के हाथों में, चाहे वह विद्यालय हो, चाहे वह कंपनी हो, चाहे वह एक भव्य इमारत हो। हर एक में एक टीम वर्क होता है। बेहतर टीम वर्क को खड़ा करना एक अच्छे कप्तान का हुनर है। यदि हम अच्छे व्यक्तियों के हाथों में कामों का वितरण उसे डेलीगेट कर देते हैं तो परिणाम जल्दी और अच्छे मिलते हैं, जो हमारी सफलता में एक बड़ा फ्यूल का कार्य करते हैं। नंबर पांच, लर्निंग। हमें हमेशा सीखते रहने की आदत डालनी चाहिए। अपने जीवन के हर दिन में हमको लगातार विद्यार्थी बने रहने का हुनर आना चाहिए। 45 मिनट, 45 मिनट जीवन में बिना रुके प्रतिदिन हमें सीखते रहना है। वह चाहे आपका व्यवसाय हो या जीवन की सृजनशीलता हो, हम जब तक सीखते रहते हैं तब तक हम विद्यार्थी ही रहते हैं। जिस दिन हमारा सीखना रुक जाता है उसी दिन से हम प्रवणता को प्राप्त करने लगते हैं। यदि हम नया सीखने की भूख बनाए रखते हैं तो हमारे जीवन में जोश, उत्साह, उमंग, ताजगी बनी रहती है। उम्र आती है, गुजरती है, परंतु हम विद्यार्थी बने रहते हैं। स्टीव जॉब्स ने कहा,
मैंने अपने जीवन में एक सूत्र को पकड़ा, स्टे हंग्री स्टे फुलिस, ज्ञान के हमेशा भूखे रहो, और स्वयं यही समझो कि हमें अभी बहुत कुछ जानना है। सुकरात का एक वाक्य, आई नो वन थिंग दैट आई नो नथिंग, हमेशा याद रखो। इसे हमको निरंतरता के साथ पूरा करने के लिए संकल्पबद्ध होना चाहिए। निरंतरता हमारी सफलता की जननी है। इस सूत्र को फिर दोहराओ, निरंतरता हमारी सफलता की जननी है। जीवन की प्रबलतम संभावनाओं को बढ़ाने के लिए 5 बातें हमें हमेशा ध्यान में रखनी होंगी। सुबह जल्दी उठना, टाइम ब्लॉकिंग, आत्मनिरीक्षण, आत्मचिंतन, कार्यों को बांटना सही व्यक्तियों के हाथों में, कम से कम 45 मिनट के लिए विद्यार्थी बनना।